नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया नॉलेज शो में। दोस्तों आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 8 लाख लोगों को 4,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए। आइए जानते हैं 4,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर की जनता को क्यों दिए है, किसके तहत दिए, कौन सा नियम वहाँ पर लागू हो गया है। यह पैसा आर्टिकल 370 में संशोधन से पहले ही भेज दिया गया था। सरकार ने पैसा इसलिए भेजा ताकि वहाँ के किसान बिना कर्ज लिए खेती किसानी कर सके, और जल्द ही 2,000 रुपये और भेजे जाएंगे। मतलब 4,000 रुपये मिला प्लस 2,000 रुपये और गवर्नमेंट देगी। किसके तहत देरी आए जानते हैं दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत यह पैसे भेजे गए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कितने पैसे भेजे गए हैं और किन किन लोगों को, कहां कहां लोगों को फ़ायदा हुआ है और कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। जम्मू कश्मीर की करीब 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। केसर की खेती तो सबसे ज़्यादा मशहूर है, सेब के बागान हैं। इसके अलावा धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, कपास, तंबाकू, गेहूं और जौ भी पैदा किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। यहां बड़े पैमाने पर फूलों की खेती होती है। लद्दाख में चने की भी खेती होती है। प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 में संशोधन के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि सभी योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। इस संदेश से पहले ही उनकी सरकार वहां के किसानों को काफ़ी पैसा जारी कर चुकी है। सबसे ज़्यादा फायदा बारामूला, कुपवाड़ा, बड़गाम, पुंछ और पुलवामा में हुआ है दोस्तों। अब राज्य के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त का पैसा भेजने की तैयारी हो रही है। मतलब 2 किस्त मिल चुकी है, तीसरी किस्त मिलने वाली है दोस्तों। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 77,038 लोगों को कुपवाड़ा में पैसे भेजे। उसके बाद आता है नंबर 12 मुला का, जहां पे 75,351 लोगों को पैसा मिला, ये सेकेंड स्थान पे है। उसके बाद आता है बड़गांव, जहां पे 63,392 लोगों को पैसा मिला। और उसके बाद आता है जम्मू, जिसमें 57,095 लोगों को पैसा मिला। और पुलवामा में 38,552 लोगों के बैंक अकाउंट में 4,000 रुपये भेजे जा चुके दोस्तों। अब आप बताइए कि ये खुशियां नहीं है जम्मू कश्मीर लोगों के लिए, तो कौन सी खुशियों की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर लोगों के लिए। आगे जानते हैं, किसी भी जगह के किसान को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा तब मिलता है जब वहाँ की राज्य सरकार उस क्षेत्र के किसानों का ब्यौरा भेजती है। जहाँ पर कम किसानों का ब्यौरा भेजा गया वहाँ पर बहुत कम किसानों को फायदा हुआ है। जैसे लेह लद्दाख में सिर्फ 4,848 और कारगिल में 7,782 लोगों को ही पैसा मिल सका है। श्रीनगर में सबसे कम केवल 3,935 किसानों को 4,000 रुपये मिल चुके, क्योंकि वहाँ का डाटा गवर्नमेंट को शायद पूरा तरीके से मिला नहीं है, इसके लिए वेट करना पड़ रहा है। दोस्तों इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना इनिशिएट कर रही है, इतना पैसे भेज रही है, इतनी भलाई की स्कीमें ला रही है, इतनी भलाई कर रही है, तो और क्या चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता को। हमें तो लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएट है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको क्या लगता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और आपको मेरा एफर्ट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।